पबजी मोबाइल के 2021 के प्लान क्या क्या हैं? इसके अलावा पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे पबजी मोबाइल के एपीके आने का क्या मतलब है? इन दोनों ही बातों के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अपने वीकली कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि आप अपने इंपॉर्टेंट व्यूज़, आइडियाज़ और ओपिनियन को शेयर करते हैं और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों आप सबका स्वागत है आयुष टॉक्स के एपिसोड 17 में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अपने सबसे पहले कम्युनिटी पोल को लेकर, जहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि आप इस समय अपना करंट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आपके स्मार्टफोन में कितने GB का स्टोरेज है। तो यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं कि 8 GB के बिलो बोलने वाले हैं 9%, 16 GB बोलने वाले हैं 6%, 32 GB बोलने वाले हैं 13%, 64 GB बोलने वाले हैं 26% और 128 GB या फिर 128 GB प्लस जिनके स्टोरेज हैं वो बोलने वाले हैं 47%। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं करंट स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूं, मेरे स्मार्टफोन के इंटरनल स्टोरेज में 64 GB का स्टोरेज दिया गया है। अब दोस्तों हमें बात करते हैं अपने सेकंड कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी भी अपने स्मार्टफोन को रात में चार्ज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 71% लोग बोलते हैं हाँ भाई चार्ज किया है, और वहीं पर 29% लोग बोलते हैं नहीं चार्ज किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मेरे पास जो फीचर्ड फ़ोन था एक कार्बन का था, तो मैं उसे रात में चार्ज में लगा दिया था। दोस्तों जब मैं सुबह उठा तो बैटरी पूरी तरह से फुल चुकी थी और उसका बैक कवर भी हट चुका था। दोस्तों आप बिल्कुल ऐसा ना करें, रात में फ़ोन को चार्ज करके ना लगाएं, क्योंकि इस समय जो हम लोग करंट स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें हम लोग फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और मैक्स टू मैक्स हम लोग के फ़ोन जो है 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने स्मार्टफोन को ओवरनाइट चार्ज में ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपने तीसरे कम्युनिटी पोल के बारे में, जहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि इस समय जो स्मार्टफोन है वो अपने बॉक्स में से चार्जर को रिमूव कर देते हैं। पहले ईयरफोन रिमूव हुआ, अब चार्जर रिमूव कर देते हैं और पूरा एक कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ फ़ोन दे रहे हैं, जो कि हम लोग सीधे सीधे एप्पल के ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम दोस्तों जो शाओमी लॉन्च करने वाला अपने ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम MI 11, तो वहाँ पर भी हम लोग को चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और अभी जो सैमसंग नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की सीरीज़ लॉन्च होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़, उसमें भी हम लोग का चार्जर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ का चार्जर हटा देंगी तो सारी कंपनियाँ चार्जर हटा देंगी। तो इसी के रिकॉर्डिंग मैंने आपसे पोल रखा था कि क्या इस समय जो स्मार्टफोन जो अपने ब्रांड है, क्या आप जो अपने चार्जर को बॉक्स से हटा रही हैं, तो क्या यह सही बात है? तो यहाँ पर दोस्तों 22% लोग बोलते हैं हाँ, और वहीं पे 78% लोग बोलते हैं नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप चार्जर को स्मार्टफोन के बॉक्स से हटा देते हैं तो इससे आप कोई बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से चार्जर आपको दे देना चाहिए, फालतू का फिजूल खर्चे फिर करना पड़ता है, फिर चार्जर कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप अभी जाके आप देखेंगे भी ना, तो अगर यहाँ पे आप जाके कभी मार्केट में कितने वॉट जैसे कि 25 वॉट, 30 वॉट, 65 वॉट, कितने वॉट का चार्जर अगर देखने को जाएंगे तो कई सारे दुकानों में चार्जर अवेलेबल ही नहीं होगा, वो चार्जर सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों चार्जर को बॉक्स में देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप कभी भी अपने स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद अपने स्मार्टफोन को फॉर्मेट किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 80% लोग बोलते हैं हाँ भाई हम तो किए हैं, वहीं पर 20% लोग बोलते हैं हम अपने स्मार्टफोन कभी फॉर्मेट नहीं किए। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं भी अपने कभी स्मार्टफोन को फॉर्मेट नहीं किया, उससे जो बचे खुचे डेटा रहते हैं वो भी चले जाते हैं, तो मैं कभी फॉर्मेट नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि आप इस समय कौन से ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो यहां पर दोस्तों 92% लोगों ने बोला है गूगल क्रोम, 1% लोगों ने बोला है ओपरा, 3% लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज, 1% लोग बोले हैं फायरफॉक्स, और 3% लोग बोले हैं अदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं भी बहुत ज़्यादा या फिर मेरा प्राइमरी ब्राउज़र आप मान लीजिए तो वो मेरा गूगल क्रोम ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पर दोस्तों मैंने आपसे पूछा था क्या अभी आपको कभी भी कोई फ्रॉड या स्कैम कॉल्स आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 91% लोग बोलते हैं हाँ भाई हमें तो आए हैं, वहीं पे 9% लोग बोलते हैं नहीं आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मैं सबसे पहली बार अपना ATM कार्ड को बैंक से लिंक कराया था और मेरा ATM कार्ड घर पे आया था, जिस दिन घर पे आया था उसके 1 घंटे बाद ही मुझे स्कैमर का कॉल आया, जहाँ पर वो मुझे सारी डिटेल मांग रहा था। फिर बाद में मेरे फादर ने बताया कि वो सब एक स्कैम कॉल है, उसके बाद मुझे पता चला। तो फिर जब दोबारा वो कॉल आया तो फिर अच्छे से बात हुई, फिर मुझे दोस्तों स्कैम कॉल का झेलना पड़ चुका है।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिटी पोल के बारे में, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि आप इस समय करंट में अपना प्राइमरी सिम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 49% लोगों बोला है जियो, 33% लोग बोला है एयरटेल, 12% लोग बोला है वोडाफोन आइडिया, 4% लोगों बोला है BSNL और 2% लोगों ने बोला है अदर। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस समय में जो प्राइमरी सिम यूज़ करता हूँ वो मेरा जियो ही है। फिलहाल दोस्तों छोटी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मेरे कम्युनिटी पोल के बारे में, जहाँ भी अपने इंपॉर्टेंट व्यूज़, आइडियाज़ और ओपिनियन को शेयर करते हैं और पोल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के 2021 के प्लान्स के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पबजी अभी बहुत ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से हम इंडिया में वापस आ जाएँ, और दोस्तों अभी पबजी मोबाइल को किसी तरह कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों एक बात तो ये भी है कि अभी मेरे को 4G आने वाला है, और अभी पता नहीं कब से वो डिले ही हो रहा है, और अभी ये पता चला है कि 4G हम लोग का अभी मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ 2021 में आएगा। अब हालांकि अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है भाई कब आएगा, अब देखते हैं भाई कब आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोग कहना है यार, सुनने में आया है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले जब 4G आ जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट पबजी को लाएगी ताकि लोग थोड़ा 4G भी खेल लें। हालांकि ये बात सच है कि झूठ है कि क्या रूमर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ऐसी बातें चल रही हैं। अब दोस्तों पबजी मोबाइल हम लोग का इंडिया में कब वापस आएगा इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पबजी मोबाइल के 2021 के ग्लोबल इवेंट के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन कौन से इवेंट ग्लोबली कब होंगे, कहाँ होंगे, जहाँ पर कि इंडिया का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्वियसली पबजी बैन है। और दोस्तों इस समय पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर पबजी मोबाइल का APK भी देखने को मिल जाता है। हालांकि वो APK कहीं हम लोग को रिडायरेक्ट नहीं करता है, बस वहाँ पे शो किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ काम जरूर चल रहा है। अब कब काम कंप्लीट हो जाए, कब PUBG मोबाइल इंडिया वापस आ जाए, कब क्या हो जाए दोस्तों कुछ पता नहीं, और PUBG मोबाइल कब आएगा इसके बारे में कोई पता नहीं। हालांकि पहले लीक्स निकल के आए थे कि मार्च तक तो बिल्कुल आने का नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा नहीं जा सकता है कन्फर्म कि एकदम नहीं आने का, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। फिलहाल दोस्तों ये तो छोटे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आयुष स्टॉक्स के एपिसोड 17 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर अपकमिंग गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।